शिव को भी जब पूछते हैं तो उनके अलग अलग स्वरूप हैं, कोई उनको शिव मान के पूछता है, कोई शंकर कहता है, कोई भोले कहता है, कोई महादेव कहता है। देखिए जैसे घर में बच्चा रहता है ना, उसको हम जिस भाव से बुलाते हैं उस भाव से वो आ जाता है। दो तीन लड़के थे और वो तीनों बालकों में द्वेष हो गया जंगल। एक राम को मानता है, एक कृष्ण को मानता है, एक शिव को मानता है, तीनों में द्वेष। वो कहता है राम बड़ा है, वो कहता है कृष्ण बड़ा, वो कहता है शिव बड़ा। पर एक संत बैठे हुए तो उन्होंने कहा सब बराबर हैं, इनमें कोई भेद नहीं। पर वो बच्चे मानने को तैयार है। थोड़ी आगे गए, वृक्ष के नीचे बैठ गए तो कहा मेरी राम जी से इतनी अच्छी पहचान है, मैं बुलाऊंगा और राम जी माना पड़ेगा। मैंने उनकी बहुत आराधना करी है, मैंने उनकी रोज आरती उतारी है, मैंने उनको भोग लगाया। एक कथा मैंने कृष्ण की आराधना करी, कृष्ण को आना पड़ेगा। एक कथा मैंने शिव की आराधना करी, शिव को आना पड़ेगा। तीनों में बहस छिड़ गई। आराधना बुलाया राम जी को, राम जी नहीं आया। दूसरे ने कृष्ण को बुलाया, कृष्ण नहीं आया। तीसरा बैठा हुआ था जो शंकर का भगत था, ना तो उसने शंकर भगवान को लड्डू का भोग लगाया था, ना कोई आभूषण चढ़ाया था। वो तो रोज बेलपत्र और जल चढ़ाता था और शिव जी के मंदिर में 3 बार थाली बजा देता था। उसने आवाज लगाया तुरंत चिल्लाकर भोले, और जो भोले बोला वैसे शंकर भगवान प्रकट हुए। शिव जी प्रकट हुए, थोड़ी देर बाद राम जी आ गए, थोड़ी देर बाद कृष्ण जी आ गए। और जैसे राम और कृष्ण आए तो जो बालक था उसने राम जी से कहा आने में इतनी देरी लग गई, शंकर जी पहले आ गए। राम जी बोले तूने मुझे बुलाया था, कहा था राजा राम आइए, राजा राम आइए, जल्दी से राजा राम आइए। अब राजा को आने में समय लगता है, पूरी प्रजा को लेकर चलेगा, सैनिक को लेकर चलेगा, रथ हाथी घोड़े लेकर चलेगा, तब तो राजा पहुंचेगा। कृष्ण भगवान आए तो उसने कहा प्रभु हमने इतना चिल्लाया, तो भगवान कहते हैं अगर तू मुझे बुलाता तो अच्छे से बुलाता, तूने कहा द्वारिका के राजा पधारिए, वृंदावन के राजा पधारिए, हे ब्रजराज पधारिए, तो राजा जब आएगा तो हाथी घोड़े पालकी के साथ आएगा। और ये शंकर भगवान के ऐसे तप साधना में जैसे ही उसने बुलाया भोले, तो शंकर भगवान को आना पड़ा तुरंत। उनने नहीं कहा कि भोला राजा आओ या राजा भोले आओ, उन्होंने तो बोला भोले पधारो, शंकर जी आ गए। तो भोले का भोला है, शिव सबका है, सरल है। जितनी सहजता से आप रिझाओगे उतनी जल्दी शंकर आपके करीब में आएगा।